बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म हिचकी के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं। कुछ वक्त पहले ही उनकी इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। रानी की यह फिल्म अगले महीने सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले ही अब खबर आई है कि रानी इस महीने के अंत में बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरुवार श्री श्री रविशंकर से अपने जीवन की कठिनाइयों पर चर्चा करेंगी। रानी यशराज बैनर के तले बनी इस फिल्म को अलग तरीके से प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि फिल्म को मूल संदेश मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना है। रानी मुखर्जी 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन IWC के उद्घाटन सत्र का हिस्सा बनेंगी। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। रानी ने एक बयान में कहा, श्री श्री रविशंकर सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्य एवं सार्वभौमिक प्रेम की ताकत पर केंद्रित हैं और उनका संदेश अनगिनत लोगों को समझ आता है। रानी ने कहा, उनके साथ सत्र में शामिल होना और उन्होंने सुनना शानदार होगा। हिचकी फिल्म आपके सबसे अच्छे कार्य को बाहर लाने के लिए आपकी सकारात्मकता और आंतरिक शांति का दोहन करने के बारे में है। मैं सत्र में इस बारे में बात करूंगी। मैं इस सत्र के लिए उत्सुक हूँ। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा द्वारा निर्देशित और मानेशन शर्मा द्वारा निर्मित फिल्म हिचकी 23 मार्च को रिलीज होगी।